हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल फोटो एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, जो गूगल फोटो एप्लीकेशन है ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और लगभग सभी के फ़ोन में गूगल फोटो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। चाहे आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लगभग सभी फ़ोन में ये इंस्टॉल होता है। दोस्तों, जब आप मार्केट से फ़ोन खरीदते हो तो उसके साथ में गूगल फोटो एप्लीकेशन मिलता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिनके बारे में लगभग 90% लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गूगल फोटो एप्लीकेशन के कुछ ऐसे सेक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपका जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इन सेटिंग्स को डिसेबल नहीं करोगे तो दोस्तों आपका जो मोबाइल डेटा है वो बहुत तेज खत्म होगा और आपके फोटोज़ को कोई भी देख सकता है, यानी आपके फोटो को हैक कर सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोरेजे टेक्निकल में, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए फोन को हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं फोन को हम स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको गूगल फोटो के सेक्रेट सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी फोटो गलती से डिलीट हो जाता है तो दोस्तों आप गूगल फोटो की मदद से उसको वापस ला सकते हो, यानी उसको रिकवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इन दो फोटो को डिलीट कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने इन दो फोटो को डिलीट कर दिया है, लेकिन गाइज आप इसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और गाइज यहाँ पे बिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो आपका डिलीट हुआ फोटो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप 60 दिन के अंदर तक इन फोटो को रिकवर कर सकते हो, यानी वापस ला सकते हो। दोस्तों, अगर आप 60 दिन के अंदर इनको वापस नहीं लाओगे तो ये प्रॉपर पूरी तरह से डिलीट हो जाते हैं। आपको इनको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आप इसको रिस्टोर कर दोगे तो दोस्तों ये फ़ोटो आपके वापस आ जाएंगे। अब चलिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। गाइज, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल डेटा है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी आपको 1.5 GB, 2 GB, 3 GB डेटा मिलता है, लेकिन गाइज आप यूज़ भी नहीं करते हो और आपका मोबाइल डेटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, गूगल फोटो की वजह से भी मोबाइल डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो गाइज, आपको कुछ सेटिंग करना है। आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो फोटो होता है वो ऑटोमेटिक हमारे जीमेल अकाउंट पे अपडेट होने लगता है। अगर गाइज ये सेटिंग इनेबल रहेगा तो आपका जो भी फोटो है वो आपके जीमेल अकाउंट पे अपडेट होगा, यानी अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है और इसके वजह से हमारा जो मोबाइल डेटा है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो दोस्तों, इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल डेटा यूजर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी गाइज आप एक दिन में कितने MB का डेटा अपने जीमेल अकाउंट पे अपलोड करना चाहते हो। आप यहाँ पे 5 MB सेलेक्ट कर लोगे तो एक दिन में 5 MB के फोटो आपके जीमेल अकाउंट पे अपलोड होंगे। 10 कर लोगे 10 MB अपलोड होंगे, 30 कर लोगे 30 MB अपलोड होंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अनलिमिटेड सेट कर दोगे तो गाइज जब तक आपका मोबाइल डेटा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके फोटोज़ जीमेल पे अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के गूगल फोटो में ये अनलिमिटेड सेट होता है, इसी वजह से उनका मोबाइल डेटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके गूगल फोटो में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नो डेटा कर दोगे तो आपका कोई भी फोटो जीमेल पर अपलोड नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ पर आप सेटिंग करके अपने डेटा को सेव कर सकते हो, डेटा को बचा सकते हो। अब गाइज, चलिए मैं आपको इससे भी इम्पॉर्टेंट एक सेटिंग के बारे में बताता हूँ। अब गाइज, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर्ड लाइब्रेरी का, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरों का फ़ोन लेते हैं और गाइज यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी पे क्लिक करके यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई भी अपना जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देगा तो दोस्तों वो बहुत ही आसानी से आपके गूगल फोटोज़ को देख सकता है, यानी आपके जितने भी फोटो हैं वो अपने फ़ोन में बहुत ही आसानी से देख सकता है। तो दोस्तों, इसको भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि कहीं किसी का जीमेल आईडी यहाँ पे डला तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे कोई भी जीमेल आईडी डला है तो दोस्तों आप उसको जल्दी से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि गाइज अगर आप उसको डिलीट नहीं करोगे तो वो आपके फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकता है अपने जीमेल अकाउंट से और अपने फ़ोन में आपके फ़ोटोज़ को बहुत ही आसानी से देख सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो इसको जल्दी से चेक कर लीजिए। अब गाइज, चलिए मैं आपको गूगल फोटो के सबसे खास फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे फोटो आते हैं, लेकिन गाइज हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये जो फोटो है ये रियल फोटो है या फेक फोटो है।
तो गाइज आप गूगल फोटो की मदद से उस फोटो का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं, अब हमें पता नहीं है कि ये किस चीज़ का फोटो है, इसका हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आई बटन का, आपको इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों गूगल इस फोटो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जितने भी फोटो गूगल पे हैं यहाँ पे आ चुके हैं। और गाइज इस तरह आप सभी फोटो के इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार फीचर है जिससे आप किसी भी फोटो की सच्चाई पता कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।